नमस्कार दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले एपिसोड में जहां आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार बंधक बना लिया जाता है ऋषभ को भी, क्योंकि पहले से तो प्रीता और अर्जुन ही बंधक थे लेकिन अब ऋषभ को भी बंधक बना लिया जाता है। लेकिन दोस्तों इस समय की बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है कि आखिरकार अर्जुन अब इस समय खुश है क्योंकि उसे पता लग चुका है कि काव्या किसी और की बेटी नहीं है बल्कि काव्या मेरी बेटी है। और जब से उसे ये पता लगा है वो वाकई में इस समय सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है कि फाइनली ऋषभ की बेटी नहीं थी, वो काव्या मेरी ही बेटी थी। और अर्जुन को जैसे ही पता चला वो वाकई में बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन दोस्तों वहीं पे ही आप लोग देख रहे हैं कि ऋषभ जो कि अंदर आ चुका है स्कूल के अंदर, और स्कूल के अंदर आने के बाद में वो लगातार प्रीता और अपनी बेटी काव्या को बुला रहा है। लेकिन जिस तरीका से आप लोगों ने देखा होगा कि गुंडे सीधे सीधे ऋषभ को टारगेट कर रहे हैं और ऋषभ को पकड़ लिया है क्योंकि अब उन्होंने निशाना जो लगाया है वो ऋषभ के ऊपर लगा रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि कहीं ना कहीं लूथरा परिवार इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश भी हैं कि हमारी मदद के लिए कोई आया या नहीं आया, लेकिन हमारी मदद के लिए अर्जुन फिर से साथ दे रहा है और अर्जुन अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी उन आतंकवादियों से लड़ रहा है। लेकिन दोस्तों वो आतंकवादी तो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन साथ में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से पृथ्वी सभी के सामने एक्सपोज होगा और पृथ्वी को देखने के लिए अब देखना होगा कि पृथ्वी को कैसे खरी खोटी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि जहाँ पे सभी घर वाले पृथ्वी को सुनाते हुए नजर आएंगे कि पृथ्वी तुम इतनी नीच हरकत करोगे ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे कुछ हरकत भी करोगे। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, आप लोगों के सामने मैं आज फिर से कुंडली भाग्य का एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अर्जुन फिर से लूथरा परिवार में वापसी करने जा रहा है दोस्तों। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में अपना जवाब जरूर बताइए, आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। गाइस थैंक यू सो मच।